और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई खड़गे की ये पहली शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड के मौजूदा सियासी संकट को देखते हुए ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। बैठक के बाद बाहर निकले सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि खड़गे से उनकी ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उनसे किसी दूसरे मसले पर बात नहीं हुई है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, लेकिन सवाल ये है कि जब इस वक्त कांग्रेस और जेएमएम के तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं सरकार को बचाने को लेकर, ऐसे में ये कैसे संभव है कि चंपई सोरेन की कांग्रेस के नाराज विधायकों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई हो। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की है। आपको बताएं 12 ऐसे नाराज विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह से वो दिल्ली पहुंचे। हालांकि आपको बताएं कि 4 विधायकों को और पहुंचना था, लेकिन 8 विधायक ही पहुंचे हैं और बाकी के जो 4 विधायक हैं वो झारखंड से दिल्ली नहीं आ रहे हैं। ऐसे में 8 विधायक हैं जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, जिनको मुलाकात करनी है मल्लिकार्जुन खड़गे से। उन्हें अभी तक समय नहीं दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि उनका दावा यही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी ये पहली शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन कांग्रेस के जिस तरीके से विधायक नाराज हैं, ऐसे में कैसे संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत चंपई सोरेन से झारखंड में जो सियासी हालात बन रहे हैं उस पर ना हुई हो। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से झारखंड में जो सरकार बनी है उसके मंत्रिमंडल में पुराने ही विधायकों को मंत्रिमंडल में रिपीट कर दिया गया है, इससे वहां पर नाराजगी है। इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी, कांग्रेस आला कमान क्या किसी भी तरह से कोई डील चंपई सोरेन सरकार से करेगी? जो पुराने पहले से ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई पुराने विधायकों को, क्या उन्हें हटाकर नए विधायकों को जगह दी जाएगी? दिल्ली में जो 8 विधायक मौजूद हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कौन कौन है। अनूप सिंह दिल्ली में मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए मौजूद है। अंबा प्रसाद ने सवाल उठाया है कि हमारी उम्र कम है तो इससे क्या होता है, हम काम तो करते हैं। भूषण बाड़ा भी हैं, दीपक पांडे सिंह भी दिल्ली में मौजूद है। हमारा शिष्टाचार भेंट हुआ कि सरकार गठन करने के बाद पहला दिन हम दिल्ली भी आए हैं और हमारा शिष्टाचार भेंट है और बाकी बात हम लोग का बाद में होगा। सर, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत हुई? उसके लिए हम लोग सेकंड टाइम में होगा। देखिए वो सब बात हमारा साथ नहीं हुआ है, हमने शिष्टाचार भेंट करने आया है, वो उनका दल का बात है, आप लोग उन लोग बात कर लेंगे। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर कहा कि झारखंड सरकार पर कोई संकट नहीं है। विधायकों की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि जेएमएम के विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है, विधायकों की नाराजगी का मामला कांग्रेस का है, वो उसे देख लेगी। आपको बताया कि 27 जेएमएम के विधायक थे, वहीं 16 कांग्रेस के विधायक है, और ऐसे में 12 विधायक कांग्रेस के तो नाराज ही दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अब कांग्रेस आला कमान मनाने की जिम्मेदारी ले रही है। और जेएमएम से चंपई सोरेन का ये कहना है कि ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कुल मिलाकर नाराजगी कितनी भी हो, लेकिन झारखंड सरकार जो है वो खतरे में तो कम से कम नहीं है। जो 12 विधायक नाराज है उससे आपकी सरकार पे कोई संकट है या नहीं है, क्या कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई संकट की बात नहीं है। जब हमारा दल के है विधायक, हम लोग अपने बात किया है, उस तरह का बात नहीं है। कहाँ से आप लोग को मिल जाते हैं हमको लेकिन हमारा दल के अंदर में सब ठीक ठाक। और कांग्रेस में मची कलह पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने कहा कि 12 कांग्रेस विधायक झारखंड को लूटने के लिए मंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी है कि चंपई सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाएगी। आप झारखंड भवन में हैं, नाराज कांग्रेस के 8 विधायक भी दिल्ली पहुंच गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं? उससे सियासत से जुड़ा हुआ कोई मसला है? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नकारात्मक राजनीति नहीं करती। हम राजनीति करते हैं समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आए थे, हमारे सारे विधायक आए हैं, लेकिन जो कांग्रेस का जो नया घटनाक्रम है वो उनके अंतर्कलह का परिणाम है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक बात आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे चोरों का जमावड़ा है जो इंडी गठबंधन झारखंड में है, लुटेरों का, डकैतों का, भ्रष्टाचारियों का। अब उनके एक मुख्यमंत्री जेल चले गए हेमंत सोरेन जी, उसके बाद भी इन्हें चैन नहीं आई। ये 7-8 महीने में साबित क्या करना चाहते हैं सरकार में आके? सिर्फ ये इन्होंने देखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने कैसे झारखंड को लूटा, हमें भी लूटने का अवसर मिले।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 12 के 12 12 एक अनार 100 बीमार वाली बात है। 12 के 12 मंत्री बनना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए। सरकार चलने वाली नहीं है ज्यादा दिन। अंतर विरोधों से सरकार गिरेगी, इनके सत्ता लोलुपता से सरकार गिरेगी। सियासी संकट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और जेएमएम सरकार पे तंज कसने का मौका मिल गया। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, झारखंड कांग्रेस पार्टी में कलह बढ़ती ही चली जा रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही पार्टी के कोटे के चारों मंत्रियों के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि नए विधायकों को जरूर मौका मिलना चाहिए। जो केपेबल लोग हैं, जो जुझारू लोग हैं, जो झारखंड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और बैठ के तमाशा देखने वाले लोग नहीं हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जो जाके उस जगह पे बैठ जाते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि किसके वजह से वो वहाँ पे आए हैं। देखिए, हम लोग जुझारू लोग हैं, हम लोग मेहनती लोग हैं, दिन रात हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं और ये बोल देना कि मतलब कम उम्र की है तो अभी मतलब कई ऐसे उदाहरण है। देखिए, कम उम्र होना ये मेरा मतलब कमी नहीं है। पुराने लोगों को दरकिनार करने का काम करें जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो विधायकों का काम तक लटका रहे हैं, साल साल भर तक एनओसी के लिए सारे चीज़ पेंडिंग रह रहा है, तो ऐसे में हम लोग के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है काम। तो अंबा प्रसाद ये आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस में, झारखंड कांग्रेस में मेरिट के हिसाब से तो काम ही नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायकों की नाराजगी से इनकार किया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि विधायक अपने नेतृत्व से बात करना चाहते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो सब अपनी अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उनसे बात होगी। हमें नहीं लगता कहीं कोई नाराजगी है। हाँ, ये जरूर है कि नेतृत्व से वो लोग बातचीत करना चाहते हैं और दिल्ली तो हमारा मुख्यालय है तो यहाँ निश्चित रूप से आना जाना लगा रहता है। उसी संबंध में विधायक भी आ रहे हैं। और चंपई सोरेन कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम में भी बगावती सुर फूटते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद से आखिरी वक्त में बाहर किए गए जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम ने यह साफ कर दिया है कि वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कमजोर साबित हुए और कांग्रेस के दबाव के आगे झुक गए। जेएमएम विधायक ने कहा है कि वो जल्द विधायकी छोड़ेंगे और कोई बड़ा फैसला लेंगे। चंपई सोरेन कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के साथ साथ अब जेएमएम में भी बगावती सुर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद से आखिरी वक्त में बाहर कर दिए गए जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम के अब बगावती सुर दिखाई देने लगे हैं। साफ उन्होंने ये कर दिया है कि इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कमजोर साबित हुए हैं कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के सामने मजबूती से वो अपनी बात नहीं रख पाए। चंपई सोरेन कैबिनेट में विस्तार के समय जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो नाम था बैद्यनाथ राम का। नाराज बताए जा रहे हैं, खुद को अपमानजनित ही महसूस कर रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। बोले कि आखिरी समय तक आपका नाम था, फिर कट कैसे गया? मैं खुद हर प्रभु इस बात को लेकर कि जब मैं घर से निकल चुका था राजभवन जाने के लिए और इस समय मेरे मन में एक बात चल रही थी कि गुरु जी से मिलते हुए जाएंगे, उसी बीच अचानक से रास्ते में फ़ोन आया सुप्रिया का कि आप सीएम हो सही है, कुछ परिस्थिति बदली है। मैंने मुख्यमंत्री से सीधा पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है, बताएं आप। तो उन्होंने जो कुछ बताया उसका लबोलवाब यही था कि कांग्रेस के दबाव में ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। मैंने कहा कांग्रेस के दबाव में जेएमएम क्यों? आखिर जेएमएम का मुख्यमंत्री इतना कमज़ोर क्यों हो जाएगा कि उसे कांग्रेस के दबाव में आके अपने मंत्रिपरिषद से सदस्य को वापस लेना होगा? तो ये मैंने विरोध अपना जता दिया है। उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि ये जो निर्णय है वो बहुत गलत है, इसका दुर्गामी परिणाम होगा। ये 12वां मंत्री जो था कहीं वो पेंच तो नहीं आया? तो 12वां मंत्री भी हो तो मैं 12वां क्यों? मेरे कहने का मतलब है कल तीन लोगों ने शपथ, दो लोगों ने, नए लोगों ने शपथ लिया तो मैं ही 13वां क्यों हो गया? 12वें रूप में मुझे क्यों आखिर रखा गया? तब अगला कदम क्या होगा आपका? महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में थोड़ी देर में होगा पीएम मोदी का संबोधन। बीजेपी नेताओं को पीएम देंगे जीत के लिए 400 पार का मंत्र। बीजेपी के अधिवेशन के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन। कांग्रेस और एनडी गठबंधन की हताशा की राजनीति पर प्रस्ताव। अमित शाह बोले, चुनाव से पहले पांडवों और कौरवों का दो खेमा बना, पीएम मोदी के नेतृत्व में पहले खेमे की होगी जीत।
महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े। कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की खबरों से कांग्रेस नेतृत्व नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर, कमलनाथ को मनाने के मूड में नहीं है कांग्रेस आला कमान। बीजेपी के संपर्क में है कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। भारत संविधान से चलता है, आपके कहने से नहीं, कहने से नहीं। वोट बैंक की राजनीति से इतना तो आप मानते हैं ना? मैं आपको चुनौती देती, साबित करके दिखाई। क्यों नहीं बोलूंगी, ये कोई तरीका नहीं है। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना, मुद्दे पर आइए ना, राजनीति से साबित करके दिखाइए। एक ऐसा डिबेट शो सुनाई देती रहेगी जिसकी गूंज देखिए मेरे साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आप देख और ये बोल देना कि मतलब कम उम्र की है, तो अभी मतलब कई ऐसे उदाहरण है, देखिए कम उम्र होना ये मेरा मतलब कमी नहीं है। पुराने लोगों को दरकिनार करने का काम करें जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो विधायकों का काम तक लटका रहे हैं, साल साल भर तक एनओसी के लिए सारे चीज़ पेंडिंग रह रहा है, तो ऐसे में हम लोग के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है काम। झारखंड कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। दिल्ली में दोनों नेताओं को मुलाकात यहां पर उनके बीच में हो सकती है, ये माना जा रहा है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि झारखंड कांग्रेस में अंतर्कलह अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। 12 नाराज विधायक जो आला कमान से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि विधायकों की नाराजगी के बीच ये सबसे बड़ी खबर है। अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं, और दिल्ली में ही जहां पर बाकी एमएलए भी पहुंच रहे हैं आला कमान के सामने अपनी बात रखेंगे, दिल्ली में ही अब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है, ये भी खबर सामने है। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायकों की नाराजगी से इनकार कर दिया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि विधायक अपने नेतृत्व से बात करना चाहते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो सब अपनी अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उनसे बात होगी। हमें नहीं लगता कहीं कोई नाराजगी है। हाँ, ये जरूर है कि नेतृत्व से वो लोग बातचीत करना चाहते हैं, और दिल्ली तो हमारा मुख्यालय है, तो यहाँ निश्चित रूप से आना जाना लगा रहता है। उसी संबंध में विधायक भी आ रहे हैं। और चंपाई सोरेन कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम में भी अब बगावती सुर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद से आखिरी वक्त में बाहर किए गए जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम ने साफ कर दिया है कि वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कमजोर साबित हुए और कांग्रेस के दबाव के आगे झुक गए। जेएमएम विधायक ने यह भी कहा कि वो जल्द विधायकी छोड़ देंगे और कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। चंपाई सोरेन कैबिनेट में विस्तार के समय जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो नाम था बैद्यनाथ राम का। नाराज बताए जा रहे हैं, खुद को अपमानजनित ही महसूस कर रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। बोले कि आखिरी समय तक आपका नाम था, फिर कट कैसे गया? मैं खुद हर प्रभु इस बात को लेकर कि जब मैं घर से निकल चुका था राजभवन जाने के लिए, और इस समय मेरे मन में एक बात चल रही थी कि गुरु जी से मिलते हुए जाएंगे, उसी बीच अचानक से रास्ते में फोन आया सुप्रिया का कि आप सीएम हो, सही है, कुछ परिस्थिति बदली है। मैंने मुख्यमंत्री से सीधा पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है, बताएं। तो उन्होंने जो कुछ बताया उसका लबोलवाब यही था कि कांग्रेस के दबाव में ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। मैंने कहा कांग्रेस के दबाव में जेएमएम क्यों? आखिर जेएमएम का मुख्यमंत्री इतना कमजोर क्यों हो जाएगा कि उसे कांग्रेस के दबाव में आके अपने मंत्रिपरिषद से सदस्य को वापस लेना होगा? तो ये मैंने विरोध अपना जता दिया है। उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि ये जो निर्णय है वो बहुत गलत है, इसका दुर्गामी परिणाम होगा। ये 12वां मंत्री जो था, कहीं वो पेच तो नहीं आया? तो 12वां मंत्री भी हो तो मैं 12वां क्यों? मेरे कहने का मतलब है कल 3 लोगों ने शपथ लिया, तो मैं ही 13वां क्यों हो गया? 12वें रूप में मुझे क्यों आखिर रखा गया? तब अगला कदम क्या होगा आपका? हमने मुख्यमंत्री को साफ साफ बता दिया, अपनी भावना से अवगत करा दिया है,
कि ये जो निर्णय है ये मेरी भावना को आहत कर रहा है और ऐसी स्थिति में इस अपमान की स्थिति में मेरे से काम नहीं हो पाएगा और हम कोई ना कोई बड़ा निर्णय जरूर लेंगे। तो बड़ा निर्णय क्या हो, क्या पार्टी छोड़ सकते हैं? पार्टी छोड़ने तक तो अभी नहीं पहुँचा हूँ लेकिन विधायक ही छोड़ने तक आ चुका हूँ। अच्छा ये बताइए कि एक बात है कि जो SC सीट है कि किसी दलित को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, ये गलत है। आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो 12% लगभग आबादी है और उस लाइन पे अगर जाएं हम लोग सामाजिक समीकरण में जाएं तो SC को जरूर रहना चाहिए कैबिनेट में। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, वर्तमान में चंपई सोरेन हैं, कैसे देखते हैं? अंतर है, काफ़ी अंतर है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ। चूँकि जो सलीका मुख्यमंत्री हेमंत जी का था चलाने का, वो अपने सदस्यों को विश्वास में लेकर कोई काम करते थे, यहाँ वो स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। तो बैद्यनाथ राम साहब बता रहे हैं कि जल्द ही वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो फैसला क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।